मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो? और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मुझे मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता, शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी, भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो नहीं तो हम भी चालू करेंगे, सुनने का जिस चीज रखो, जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है, तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द, हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं,
कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था, और जब भी ये डर बढ़ता था, जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग ने। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए, कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया, बोल ही नहीं पाया, क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया।